से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी जा रहे हैं, मर्दाना कहता है पातशाह बहुत दिन हो गए कुछ खाए हुए, भूख लगी है बहुत। मेरे गुरु नानक पातशाह कहने लगे मर्दानिया कुछ देर दूर एक शहर आने वाला है, वहां जाके जो चाहे खा लेना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शहर आ गया, पातशाह कहते मर्दानिया जा जो चाहिए खा के आ जा। मर्दाना जी ने हाथ जोड़ दिए, पातशाह मुझे कौन जानता है कौन भोजन खिलाएगा, मैं चला जाऊंगा भूखा ही वापस आ जाऊंगा किसी ने नहीं दिया तो। मेरे गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा कर कहने लगे तू जा तो सही, तुझे देखकर हर कोई तन मन धन से तेरी सेवा करेगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक, वचन कह दिए गुरु नानक पातशाह। अब भाई मर्दाना जी ने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, गुरु नानक पातशाह के वचन हर कोई जो कुछ उसके पास था गुरु नानक मर्दाने के आगे लाके रख रहा है, औरतों ने अपने गहने तक उतार कर मर्दाने के आगे रख दिए। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दाना हैरान हो रहा है कि इतने पदार्थ इतना धन इतनी माया। मर्दाने को जो देखता है अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देता है। मर्दाने के मन में लालच आ गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितना खा सकता था खाया, फिर एक बहुत सारी बड़ी पोटली में गहने बांध कर ले आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह ने जब देखा पोटली उठाकर आ रहा है, कहने का मर्दानिया ये क्या लेके आ गया, तुझे कहा था जितना चाहिए खा, जमा करने के लिए नहीं कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दाना कहता है पातशाह मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं छीने, लोगों ने दिए हैं तो मैं लेके आया हूँ, मुझे लेने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाह कहने लगे ये जो धन है ना जो लोग देते हैं ये धन नहीं है, ये नागिन है नागिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे फेंक दे वरना ये तुझे ही डस लेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मर्दाना कहने लगा पातशाह बात समझ में नहीं आई। गुरु नानक पातशाह कहने लगे इस गठड़ी को उस पेड़ के नीचे रख दे और मेरे पास आ जा। भाई मर्दाना जी ने वही किया। भाई बालाजी लिखाते हैं कि गुरु नानक पातशाह मैं और मर्दाना जी गुरु नानक पातशाह ने तीनों को अदृश्य कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वहीं खड़े हैं पर उन्हें कोई नहीं देख सकता, वो सब कुछ देख सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या देखते हैं तीन मित्र आते हैं वहां पर, गठड़ी के पास आकर गठड़ी को खोलते हैं, हैरान होते हैं। तीनों मिलकर तीन हिस्से करते हैं, बहुत सारे गहने हैं, हिस्से करते करते दोपहर हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब भूख लगती है, एक कहता है मैं इतना सारा धन है थोड़ा धन लेके जाकर शहर से भोजन लेकर आता हूं। एक चला जाता है मित्र, वो चला गया ये तो ये दोनों सोचते हैं आपस में विचार करते हैं कि क्यों ना इसे आते ही हम खत्म कर दें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसे ही ये लौट कर आएगा इसका कत्ल कर दे, तीन हिस्से नहीं करने पड़ेंगे दो हिस्सों में बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दोनों ने प्लान बना लिया, व्यूह तो बना लिया। जब ये भोजन लेकर आया दोनों ने इस पर हमला कर दिया चाकू से और खत्म कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इन्होंने तीन हिस्से के दो हिस्से किए, भूख लगी थी भोजन खाया, जैसे ही भोजन खाया दोनों मर गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो जो तीसरा गया था भोजन में जहर मिलाकर लाया था कि ये दोनों मर जाएंगे सारे गहने मेरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह मर्दाना से कहते हैं बता ये धन है या नागिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस बात को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा जो आज की बात है ना, क्योंकि आज लक्ष्मी पूजा है, आप लोग लक्ष्मी पूजा करते हो, गुरु नानक पातशाह इसके बारे में क्या कहते हैं जरा श्रवण कीजिए। माया होए
रही लपटा, माया हो नागनी जगत रही लपटा। इसकी सेवा जो करे, इसकी सेवा जो करे, इसी को फिर खाए। प्यार से बोलिए धन्य माया होए नागिनी जगत रही लपटाए, इसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इस धन की सेवा करता है, पूजता है, ये माया उसी को खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे? इस बात को जरा गहराई से विचारना। अगर माया नागिनी है तो हमारा गृहस्थ धर्म कैसे चलेगा? परिवार को कैसे पालेंगे? क्या धन छोड़कर बैठ जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं, यहाँ पर ये बात नहीं है। कौन सी माया नागिनी है ये समझने की बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन की पूजा असली क्या है ये समझने की बात है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, आप रास्ते से जा रहे हो, रास्ते में धन पड़ा है, आपका नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोचते हैं उठा लें, चाहे भले काम में लगा लेंगे। बाबा आनंद सिंह जी महाराज सख्ताई से मना करते थे, आपका नहीं है, मिट्टी में पड़ा हुआ है, मिट्टी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बहुत छोटी बात हो गई हमारे लिए, हमारे लिए बहुत छोटी है। एक बात याद रखना साथ साथ, कल की बात, जो बात समझ में ना आए इसका मतलब इतना ही है कि हमारी समझ छोटी है। महापुरुष हैं, उनकी बात में कोई बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हेरा फेरी से कमाया हुआ धन यह है नागिनी, झूठ बोलकर कपट कर कमाया हुआ धन, लालच करके कमाया हुआ धन, रिश्वत लेकर कमाया हुआ धन, ये है नागिनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत की कमाई को नहीं कहा नागिनी। बात को ध्यान से समझना। एक होता है लालच। लालच क्या होता है पहले इसको समझे। आपने एक गाड़ी देखी, आपका लेने का दिल किया, किसी के पास आपने एक गाड़ी देखी, आपका उसे लेने का दिल किया कि मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। आपने उसके लिए मेहनत करनी शुरू की, काम करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है उस चीज की चाहत रखना, ये लालच नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लालच क्या है? वो गाड़ी है, मन करे चोरी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस चीज को पाने के लिए कोई मेहनत करने की तैयारी ना हो, आसानी से मिलने की उम्मीद हो, उसे कहते हैं लालच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशाह ने मेहनत करने से नहीं रोका, लालच करने से रोका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग गलत ढंग से माया कमाकर उसे तिजोरियों में बंद करते हैं, फिर चाहे आप उसके आगे थाली घुमाओ आरती की, चाहे उसकी पूजा करो, वो आपको एक दिन डसेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन की असली पूजा क्या है? क्या है असली पूजा? और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार।